बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दिन मंगल, तारीख 12 जनवरी 2021, जमात का काम। जमात नर्सरी, उन्वान हर्फ मीम, वीडियो नंबर 20, उर्दू किताब सफ़ा नंबर 72 और 73। यह है बच्चों हमारा हर्फ कहानी तस्वीरी कायदा, और आज का जो हमारा उन्वान है वो है हर्फ मीम। ये है बच्चों मीम, इसको बोलते हैं मीम। अब मैं आपको मीम की एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हर्फ मीम से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक दिन मैं अपने मामू जान के साथ चिड़ियाघर गया, वहाँ मैंने मीम मोर को नाचते हुए देखा। ताज वाला मुर्ग अपने पिंजरे में था, सब लोग मगरमच्छ को हैरत से देख रहे थे। किनारे पर मीम मेंढक छलांगे लगा रहा था, छोटे बच्चे रंग बिरंगी मछलियाँ देखकर खुश हो रहे थे। मुझे चिड़ियाघर की सैर बहुत अच्छी लगी। अब एक दिन मैं अपने मामू जान के साथ चिड़ियाघर गया, ये बच्चा कह रहा है एक दिन मैं अपने मामू जान के साथ चिड़ियाघर गया, वहाँ मैंने मीम मोर को नाचते हुए देखा। मीम मोर को इन बच्चों ने नाचते हुए देखा। ताज वाला मुर्ग अपने पिंजरे में था, ताज वाला मुर्ग अपने पिंजरे में था, ये देखें मुर्ग इस जगह पे हैं, ताज वाला मुर्ग अपने पिंजरे में था, सब लोग मगरमच्छ को हैरत से देख रहे थे। ये है बच्चों मीम मगरमच्छ, मीम मगरमच्छ को हैरत से देख रहे थे। ये देखें सब हैरान होकर मगरमच्छ को चिड़ियाघर में देखने आए हैं। किनारे पर मेंढक मीम मेंढक छलांगे लगा रहा था, ये देखें इस जगह पे मीम मेंढक है। छोटे बच्चे रंग बिरंगी मछलियाँ, ये देखिए पानी में मछलियाँ भी मगरमच्छ के आसपास कितनी हैं। छोटे बच्चे मीम मछलियाँ देखकर खुश हो रहे थे। मुझे चिड़ियाघर की सैर बहुत अच्छी लगी। कितनी सारी चीज़ें हमने चीज़ें देखी जो मीम से यहाँ पे बन रही हैं। मीम से मोर, मीम मुर्ग, मीम मछली, मीम मगरमच्छ और मीम से मेंढक। आप लोगों को अच्छी लगी कहानी? मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी आया होगा मुझे पता है। अब मैं आपको बताती हूँ मीम से बनने वाली चीज़ें। मीम मेंढक, मीम मोर, मीम मुर्ग, मीम मगरमच्छ, मीम मछली। पढ़िए और लिखिए, आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ना है मीम को इन तस्वीर के साथ, फिर आपने लिखना है मीम मेंढक, मीम मछली, मीम मोर, मीम मुर्ग, मीम मगरमच्छ। हर्फ मीम के गिर्द दायरा लगाएं, फिर आपने हर्फ मीम के गिर्द इस जगह पे दायरा लगाना है। मीम आप लोगों ने पहले पहचान करनी है मीम की, फिर आपने यहाँ पे मीम के गिर्द दायरा लगा देना है। मैंने भी यहाँ पे मीम के गिर्द दायरा लगाया, आपने भी पेंसिल के साथ दायरा लगा देना है बच्चों, ठीक है। अब आप देखें अपना घर का काम। उर्दू किताब सफ़ा नंबर 73 की आप लोगों ने पढ़ाई करनी है। मीम मेंढक, मीम मछली, मीम मोर, मीम मुर्ग, मीम मगरमच्छ। आप लोगों ने इस तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है सारे बच्चों ने। शुक्रिया आपका सबका।